भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते भी पढ़ाते हैं जी। मैं विद्यालय जाता हूँ अंग्रेजी और संस्कृत में करके बनाई जाते जाता हूँ अंग्रेजी में भी संस्कृत में मैं विद्यालय जाता हूँ। आई एम डूइंग कैसे हो जाएगा? मैं विद्यालय जा रहा हूँ इस कितना पढ़ाई है? मैं विद्यालय जाता हूँ संस्कृत में बताइए। गच्छामी होगा ना तीता। तो तीता अंति जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालय गच्छति। वे दोनों विद्यालय जाते हैं तीता तौ सह तौ ते तौ विद्यालय गच्छता। आप वे लोग विद्यालय जाते हैं ते विद्यालय गच्छन्ति। और हम लोग मैं विद्यालय जा रहा हूँ अहम विद्यालय गच्छामी है ना। सीता था तुम विद्यालय जाते हो तुम विद्यालय गच्छसि। ऐसा बात करते हैं आप लोग महाराज प्रैक्टिस थोड़े होता है। हमारे पिताजी चौथा क्लास में बता रहे हमको याद है। माय फादर वाज माय टीचर ही इज आल्सो अ टीचर इन माय स्कूल एंड ट्रेन्स अंग्रेजी संस्कृत उन्हीं को बताया हुआ आज तक मुझे याद है। आप कह रहे हैं कि ऐसे होता प्रैक्टिस प्रैक्टिस थोड़े होता है हमारे साथ ही हम समझ ले जाएगा। तो मेरा नहीं एलिफेंट का चलो कहा पर्यावरण का मतलब होता है सर कि हमारे बाहरी वातावरण में हम कैसे सरवाइव करते हैं क्या क्या है? तो हो गया हम पर्यावरण का खाली मतलब बताइए। पर्यावरण मतलब हमारे बाहरी आवरण को बाहरी आवरण मतलब तो बाहरी आवरण तो होता है पैजामा यही पर्यावरण हो गया वातावरण है वातावरण मौसम है जलवायु क्या है बनो एक ही है। मौसम क्या होता है हाँ? इसका पार्ट है ऋतु जलवायु का पार्ट है ऋतु हाँ? मौसम किसी भी जैसे चैता चैता में आज बारिश हो रही है तो चैता का मौसम जो है बरसात वाला पकड़े जाल में नहीं हो रही तो किसी लोकल एरिया के एक दिन के जलवायु के परिवर्तन या उसके वातावरण की स्थितियों को मौसम बोलते हैं। और जलवायु सालों भर जिस प्रकार से अलग अलग ऋतुएं आती है जाड़ा में जाड़ा लगता है बरसात में बरसात होती है गर्मी में गर्मी लगता है तो ये पूरा का पूरा एनुअल एनालिसिस ऑफ द मतलब एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत बड़े स्तर पे होता है कि पूरे देश का पूरे राज्य का पूरे जिले का होता है। मौसम डायरेक्शन की आपने क्या क्या पाया? विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति आधी है और उपस्थिति बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एमडीएम बनाया जा रहा है। एमडीएम में आज खिचड़ी चोखा बनना है चोखा बनते हुए मैंने देखा है किचन साफ सुथरा है। विद्यालय में दो शिक्षक अनुपस्थित हैं जिनका आवेदन लगा हुआ था। विद्यालय के शिक्षकों को चाहिए कि पढ़ाने से पहले जो संबंधित विषय है उसको घर से पढ़ के आए तो ज्यादा बेटर रिजल्ट हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में हमारे जिले में ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और विद्यालय के शिक्षकों को स्वाध्याय का की आदत जो है छूट गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग को भी चाहिए होगा कि एक समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें ताकि विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता जो है बनी रहे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक देश के अच्छे नागरिक।